और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम की, क्योंकि यूपी में कल समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई। इसी सूची में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान के अलावा कैराना से दागी प्रत्याशी नाहिद हसन के नाम शामिल है। बीजेपी ने नाहिद हसन को टिकट देने पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी की सियासत में फिर से बवाल छिड़ा है। इस बार मुद्दा है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का। 159 उम्मीदवारों की सूची में करहल से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर लगाई गई, तो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। लेकिन बीजेपी को आपत्ति कुछ नामों पर है। इनमें सबसे अहम है कैराना से नाहिद हसन का नाम। इसके अलावा रामपुर सीट से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा का अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी हो, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। बीजेपी नेताओं की इन आपत्तियों पर समाजवादी पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। उन्हें हमारे इतनी बड़ी लिस्ट में केवल कुछ नाम दिख रहे हैं। अरे महाराज, भूलिए नहीं, 5 साल से आप सरकार में थे और जो भी बेटियां योगी जी के पास मदद मांगने आई, या तो उन्होंने आत्महत्या किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। समाजवादी पार्टी ने कल जिन 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, इसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। एसपी की तरफ से ये सूची तब जारी हुई है जब बीजेपी ने पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। दरअसल कैराना से नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर बीजेपी खासतौर पर खफा है। नाहिद हसन के नाम कई आपराधिक केस हैं। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। समाजवादी पार्टी की सूची पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं, अपराधी वही। उत्तर प्रदेश को जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। इस सूची में एक अहम नाम जेल में बंद चल रहे पूर्व मंत्री आजम खान का भी है। वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे रामपुर की स्वार सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। 2017 में भी वो स्वार सीट से चुनाव जीते थे, किंतु फर्जी जन्मतिथि के मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अपना दल ने आजम खान के बेटे के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी का अगर आदेश हुआ है, जैसे ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है, अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाए। और रामपुर शहर की जहां तक बात है,
ये वो विधानसभा सीट है जहाँ नारा लगा था आजम बना वजीर आजम, तब भी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। रामपुर की स्वार सीट पर हमने एक बहुत ही वेल नोन फेस और कहिए कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के सदस्य को अवसर दिया है। रामपुर की जनता बहुत उस परिवार को चाहती भी है, बहुत लगाव है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, निश्चित रूप से वो अपनी जीत वहां पर दर्ज करेंगे। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का नाम इस सूची से गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी अपने विधायक मनोज पांडे को फिर से टिकट दिया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, कंट्रोवर्शियल नाम नाहिद हसन, इस तरह के नाम हैं जिसके बाद बीजेपी ने लिस्ट जारी होते ही समाजवादी पार्टी पर हमला शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला लगातार बन रहा है। संबित पात्रा एक तरफ कह रहे हैं कि ये गुंडों की सूची है, तो वहीं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जा रहा है कि नाहिद हसन और इस तरह के नामों से समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले तुष्टिकरण की राजनीति करती नजर आ रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी की इतनी किरकिरी हो चुकी है, इतनी बार आलोचना की जा चुकी है, उसी को टिकट दे दिया, क्या मजबूरी है भाई? देखिए बिल्कुल नेहा, नाहिद हसन को लेकर के पहले से बीजेपी सवाल कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ होगा। यानी कि साफ तौर पर जीत इस समय समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, और यही कारण था कि नाहिद हसन को टिकट दिया जाता है। आजम खान फिर से मैदान में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मैदान में है, और मनोज पांडे जिनको लेकर के भी ऊंचाहार की सीट से साफ तौर पर अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के लिए वो लगे हुए थे, उनको टिकट नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें पता है कि मनोज पांडे की वहां जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मनोज पांडे को टिकट दिया गया। तो पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों को पूरी तरीके से तरजीह मिली है जहां पर पार्टी को लगता है कि ये जीत कर ही आएंगे। यही कारण है कि नाहिद हसन पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, बीजेपी लगातार इसको लेकर के हाशिए पर लेती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कैराना से वो मैदान में है। तो साफ नजर आता है कि चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे दबंगई की बात हो, या फिर जो भी स्थानीय नेता है उन्हीं पर समाजवादी पार्टी ने एतवार किया है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो समाजवादी पार्टी ने स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को उम्मीदवार बनाया है। 5 दिन पहले ही रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेल में बंद पिता की तबीयत का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला बेहद भावुक हो गए थे। अब्दुल्ला कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए। तो ये वही अब्दुल्ला हैं जिनको अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि हाँ, लोगों से उन्हें मालूम चला कि उनके पिताजी को रामपुर से टिकट दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अब्दुल्ला को भी स्वार से टिकट मिला है। देखने आए क्योंकि वही टीम उनका इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और जब उनको बाहर से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थी। जाने वाले 2 मिनट बाद खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, बात अब उत्तराखंड कांग्रेस की सूची की करेंगे। कल देर रात कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। सीनियर नेता हरीश रावत को रामनगर से टिकट मिला है। बीजेपी से कांग्रेस में हरक सिंह रावत को फिलहाल टिकट नहीं मिला है। मौका तो था कांग्रेस के चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन का, लेकिन लोक नर्तकों के साथ थिरकते हरीश रावत की इस तस्वीर से साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव के टिकट का कोड उन्होंने डिकोड कर लिया है।
देर रात सारा सस्पेंस भी खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस ने रामनगर से उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत 28 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र नैनीताल जिले में आता है और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ था। टिकट जारी होने से पहले आज तक ने जब हरीश रावत से बात की थी तो सुनिए उन्होंने किस तरह दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। मैंने कहा ना कि नर्तक हूँ, जहाँ जहाँ तबला बजेगा तो मेरे पांव थिरकेंगे, तो मैं तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। जिंदगी इसी में गुजर गई तो मेरे पांव तो थिरक रहे हैं, लेकिन नाचना है नहीं नाचना है ये तो जो उस्ताद है पार्टी उसको तय करना है। तो उस्ताद कह देंगे नाचो तो नाचेंगे, उस्ताद कहेंगे नहीं नहीं अभी रुको औरों को नचाओ तो औरों को नचाएंगे। कोई तो मुझसे श्रेष्ठ है, कोई ना कोई तो मुझसे आगे है, तो बिना उस आगे वाले की इजाजत के कैसे काम करेंगे। मैं भी जो है मैं तो खाली एक 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 हिस्सा हूँ, एक पुर्जा हूँ, तो मशीन तो कहीं और है, तो मशीन की इजाजत तो लेनी पड़ेगी। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। वे 3 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। केंद्र सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री रहते वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा से चुनाव हार गए। 2019 में नैनीताल से भी वो लोकसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस की दूसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले 53 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई थी। इस तरह कांग्रेस अब तक 64 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन दूसरी सूची में एक अहम नाम गायब है। वो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का। हालांकि हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी ने लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कि आप मेरे कोई शर्त नहीं है, आप जो भी जिम्मेदारी मुझे दें, चुनाव लड़ाना चाहते हैं मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आप मुझे किस सीट से लड़ाना चाहते हैं मैंने ये भी पार्टी पे छोड़ दिया है। आप मेरे उपयोग पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान में लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मैंने ये वायदा पार्टी से जोड़ किया है कि मैं 30-35 सीटें ऐसी हैं गढ़वाल की, लगभग सभी सीटें। कांग्रेस की सूची में जो अहम नाम हैं उसमें देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, डोईवाला से मोहित ओनियाल, ज्वालापुर से बरखा रानी, छबरेड़ा से वीरेंद्र जत्ती, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, काला ढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और लालकुआ से संध्या डालाकोटी शामिल हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून आज तक। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए हरक सिंह रावत को टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं इसके पीछे पार्टी की एक सोच जरूर होगी, लेकिन ये अप्रत्याशित है, आने वाले वक्त में उन्हें टिकट मिल भी रहा है यानी कि अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। नेहा, अभी हरक सिंह रावत के लिए उम्मीद बाकी है क्योंकि चौबट्टा खाल सीट अभी घोषित होनी बाकी है। 6 सीटें हैं जिस जो अभी कांग्रेस की बाकी हैं, जिन पर क्योंकि चौबट्टा खाल वो सीट है जहां पर सतपाल महाराज बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वो चौबट्टा खाल से उनका नाम आज या कल में घोषित हो सकता है। उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट दिया गया है, अनुकृति गोसाई को, वो एक उनके लिए बड़ी जीत है क्योंकि वो जब बीजेपी में थे तो लगातार इसी बात को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे कि वो अपनी बहू और खुद के लिए टिकट मांग रहे थे। जहां तक एक और बात है, हरीश रावत भले ही अब रामनगर से उनका नाम घोषित हो गया है लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनके सबसे नजदीकी रंजीत रावत अब आज ये फैसला करेंगे कि क्या वो निर्दलीय के तौर पर रामनगर से लड़ेंगे। इसी तरह से कुछ और सीटें हैं कांग्रेस की, चाहे लैंसडाउन की सीट है, थोड़ी देर पहले वहां से चुनाव लड़ चुकी ज्योति रोतेला हैं चौबट्टा खाल से, उन्होंने कहा कि वो भी फैसला करेंगी कि वो निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगी। तो क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस में जो अब बगावत की स्थिति में होंगे। और अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कि हरक सिंह रावत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हरक सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। आपके अंदर भाजपा का ब्लड है और फिर अचानक से ब्लड कैसे चेंज हो गया?
आजकल तो ब्लड चेंज हो रहा है, इतनी बीमारी फैल रही है, कोरोना महामारी हो गई है। तिरेंद्र भाई कह रहा है कि उसको लिंक करके ब्लड मैंने जो भाजपा का एक एक बूंद थी सब निकाल के जो है अमित शाह जी को भिजवा दिया। भैया 5 साल ये तुम माफ करना तुम। अरे भैया देखिए एक चीज सुनो, उस दिन क्योंकि मैं मंत्री था, उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, तो क्या मैं उस दिन ये कहता कि मतलब ये तो नहीं हो सकता था कि मैं उस दिन कह देता। लेकिन आप उस दिन इशारा नहीं, अब माहौल नहीं देख रहे थे कि मेरे को मैं मंत्री भाजपा की ओर से था और तालियां मेरे बात पर सबसे ज्यादा कौन बजा रहे थे? कांग्रेसी भाई बजा रहे थे। तो उनके चेहरे और मेरे चेहरे से बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था आपको कि जो है कुछ होने वाला है? भाजपा की टेबल पर मुख्यमंत्री के साथ जो खिलखिलाहट थी हरक सिंह रावत की, वो कुछ और कह रही थी, अब आप कुछ और कह रहे हैं। धामी देखिए, आज भी मैं धामी से कोई नाराजी नहीं है, ये बात सच है। भले उसने देर से क्यों काम, जैसे कोड़दार मेडिकल कॉलेज बहुत लड़ाई लड़ने के बाद कर उसने 25 करोड़ जारी कर दिया, हालांकि ये पहले होना चाहिए था। अब तक बच्चों का एडमिशन हो जाते, हॉस्पिटल बन जाता, तो मेरे एक मलाल रह गया मुझे कि मैं कांग्रेस सरकार में मैंने विजय भवनों से शुरुआत की और मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, दून मेडिकल कॉलेज। मुझे मलाल रह गया कि मैं कोड़दार मेडिकल कॉलेज को 5 साल में नहीं बना पाया, और एक कसक जैसी रह गई मेरे मन में। हरक सिंह जी, मेरा 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 एक बार फिर से सवाल है, इस चीज की पटकथा क्या पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि अभी आपने बताया कि कांग्रेसी ज्यादा खुश थे बीजेपी के मंत्री रहते हुए भी। नहीं, पटकथा तो नहीं लिखी गई थी, मैं आपको तो बहुत साफ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना कि माहौल बनने लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सबकी बात हो गई, अब रुक करेंगे पंजाब की राजनीति का। वहां भी पाकिस्तान को लेकर सियासत तेज हो गई है। पाकिस्तान के सहारे कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा वार किया है, और इन सबके बीच पंजाब में बीजेपी के गठबंधन की फाइनल लिस्ट आ गई है। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इन योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। इसमें कहां कोई दो राय है कि सिद्धू और इमरान दोनों क्रिकेटर रहे, दोनों साथ में क्रिकेट भी खेले और दोनों आज अपने अपने देश में राजनीति के बड़े खिलाड़ी भी हैं। लेकिन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा है वो ना सिर्फ पंजाब की राजनीति बल्कि देश की राजनीति की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। सुनिए पहले अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वॉज वॉट द मैसेज विच केम। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी प्रेम होने का आरोप लगाया। याद करिए करतारपुर साहिब में दर्शन का मामला जब आया था तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर तीखे वार किए थे और तब भी कैप्टन ने सिद्धू पर पाकिस्तानी प्रेमी होने के आरोप लगाए थे। मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसका इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। लेकिन आज कैप्टन हमलावर है, इसे संयोग कहिए या प्रयोग, लेकिन जिस दिन यूपी के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई ठीक उसी दिन पंजाब की राजनीति में भी पाकिस्तान की एंट्री हुई है। कैप्टन बार बार सिद्धू को इमरान के दोस्त बताकर हो सकता है कि चुनावी फायदा चाहते हो, मगर सिद्धू खुद इमरान के शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं। आपको नहीं लगता है कुछ लोगों को जो आपको दिलो जान से पसंद किया करते थे उनको बुरा लगा होगा आप पाकिस्तान? किसी को नहीं, किसी को नहीं बुरा, उन लोगों को लगा जो घबराते हैं। क्या गले लगना किसी का कुछ षड्यंत्र है? सिद्धू को अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार जब करतारपुर साहिब खुला था तो सिद्धू ने कहा था कि वो मेरे भाई जैसे हैं। सिद्धू के यही बयान कैप्टन को वार करने का मौका देते रहे हैं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, कैप्टन को भी मालूम है कि पाकिस्तान का दाव कारगर है, इसलिए वो सिद्धू को वहां चोट कर रहे हैं जहां पूरे कांग्रेस में करा उठे, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में गठबंधन तो पहले ही हो गया था, अब दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ गया है।
पंजाब की 117 सीटों में बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली ढींडसा पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींडसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा ने पाकिस्तान से जोड़कर पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है या प्रदेश की आवश्यकता है? एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्युनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। इसलिए सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अब बात पटना में कल मचे बवाल की करेंगे। पटना में रेलवे की परीक्षा के नतीजे से गुस्साए छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेल रोक दी। नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। घंटों की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को पुलिस से खाली कराया, तब जाकर आवाजाही बहाल हुई। इससे पहले पुलिस और छात्र घंटों तक आमने सामने रहे और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे बोर्ड का एग्जाम है हुआ है जो, उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि यहाँ राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पटरी पर बैठे हुए हैं, उनसे वार्ता की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम यही है कि लीडरलेस हैं। दो चार दस लोग वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं तो बाकी नहीं हो रहे हैं। तो अभी रेलवे से भी हम लोग बुला रहे हैं पदाधिकारियों को, इनकी समस्याओं को सुन लें और जो समाधान हो सकता है उसका समाधान करें। पूरी तरह से रेलवे का मामला है, विधि व्यवस्था को देखते हुए हम लोग, हमारे SSP साहब यहाँ आए हैं निरीक्षण में और कोशिश यही हो रही है कि बच्चों को समझा बुझा करके हटाया जाए और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको जेन्युइन अगर है तो उसको हम लोग रिड्रेस करें रेलवे के माध्यम से। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी ये खबर है। नए केसेस में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है, ये अच्छी खबर आ रही है आंकड़ों से जुड़ी हुई। थोड़ी देर पहले जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के 255,874 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 614 लोगों की जान गई है जबकि 2.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके से देश भर में 22 जनवरी को 3,37,704 मामले सामने आए थे। उसी दिन अगले दिन 23 जनवरी को 3,33,533 मामले सामने आए, 24 जनवरी 3,06,064 और 25 जनवरी यानी कि आज 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश भर का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब 3 लाख से नीचे ये संख्या आ गई है, ये राहत भरी खबर है। अब तक 3 लाख से ऊपर मामले चल रहे थे। कर्नाटक अब भी राज्यों में टॉप पर बना हुआ है 46,000 मामलों के साथ, 46,426 है वहां पर नए मामलों की संख्या। वहीं तमिलनाडु 30,215, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर अभी भी 28,286 नए मामले, केरल 26,514 नए मामले, वहीं आंध्र प्रदेश नंबर 5 पर 14,502 मामलों के साथ। ये राज्यवार सूची हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कर्नाटक टॉप पर बना हुआ है 46,000 से ज्यादा मामलों के साथ। तो राज्यवार कोरोना का अपडेट, 24 घंटे में कितने नए मामले हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से अब पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में जैसे मौसम का सर्द अटैक आ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साइड इफेक्ट्स मैदानी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त सर्दी का सितम झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सर्दी के खतरनाक हालात फिलहाल थमने वाले नहीं हैं।
उत्तर भारत के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे में क्या कमी रह गई थी कि बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। जनवरी में आधा हिंदुस्तान जम गया, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही, जम्मू कश्मीर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया है, तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बरसात और घने बादलों ने सूर्य के दर्शन दुर्लभ कर दिए। ऊपर से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अभी ठंड बाकी है। जनवरी 2022 में इतनी बरसात हुई है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। सर्द जनवरी ने इस बार भिगोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम विभाग तो यहां तक कह रहा है कि इस बार जनवरी में ऐसी बरसात हुई है जिसने 10 साल 20 साल 50 साल नहीं 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1901 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब जनवरी में इतनी बरसात हुई थी। और खासकर पश्चिमी विक्षोभ पिछले कुछ दिनों में जो लेकर के बरसात आया, बीती रात जो देर तक बरसात हुई, उसके चलते 88 ml तक बरसात रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले कुछ सालों में जनवरी में जो बरसात भी हुई है 2 ml, 4 ml, 5 ml तक होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जनवरी 2022 में हुई बरसात ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1995 में जनवरी महीने में 69 mm बारिश हुई थी, उससे पहले 1989 में कुल 79 mm बारिश हुई थी, जबकि इस साल में जनवरी में 88 मिलीमीटर बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनवरी 2022 इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन लास्ट 122 ईयर। 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इट हैज क्रॉस ऑल द अर्लियर टोटल एंड 88.2 इज वेरी बिकॉज द जनवरी मंथ इफ यू सी इन 2019 और 20 4 mm ओनली। 25 जनवरी के बाद उत्तरी हवाएं मजबूत होंगी जब हिमालय से ठंडी हवाएं मैदान की ओर आएंगी। इसके बाद 26 जनवरी से कोल्ड वेव की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए कोल्ड वेव अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली NCR वालों को राहत इतनी मिलेगी कि थोड़े कोहरे और बादलों के बावजूद आसमान साफ होगा और जश्न में आए लोग आसमान में वायुसेना के करतब देख सकेंगे। इस बार 75 विमानों का ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट होने वाला है। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोग फिलहाल कड़कड़ाती ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र के वर्धा से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की जान चली गई। सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज के छात्र देर रात यहां से गुजर रहे थे कि उनकी गाड़ी पुलिया में जा गिरी। माना जा रहा है कि सड़क पर एकाएक जंगली जानवर के आ जाने से गाड़ी बेकाबू हो गई, इसने संतुलन खो दिया। 7 छात्रों की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दुर्घटना में किरोड़ा से बीजेपी विधायक के बेटे की भी जान गई। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भीषण था। मेन सड़क से ये गाड़ी नीचे पुलिया पर आ गिरी। बताया यही जा रहा है कि अचानक जंगली जानवर के आ जाने से गाड़ी ने संतुलन खो दिया और अचानक गाड़ी नीचे की ओर चली गई। वर्धा महाराष्ट्र की ये घटना जहां पर 7 मेडिकल छात्रों की जान चली गई है, जिसमें एक विधायक का बेटा भी है। अंदर